सो है गाइस, वेलकम बैक टू सोल टॉर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। बाकी आज बीजी आज ग्रैंड फाइनल का डे टू है। सो डे टू के मैच टू में मिरामार के मैप में टीम सोल ने काफ़ी अच्छा चिकन निकाला। इम्पॉसिबल चिकन था बट फाइनली टीम सोल ने निकाल लिया है और टीम सोल अभी टॉप पे चल रही है। वैसे अभी सेकेंड पे या थर्ड पे आई थी बट ये चिकन के बाद फिर से टॉप पे आ गई है टीम सोल। और बाकी लास्ट में वो सेलिब्रेशन देखना थग भाई और मॉटल भाई का, बहुत ही मज़ा आएगा। और साथ में चलते हम सीधा मैच की तरफ। हमें देखने को मिल जाएंगे डेल्टा पीजी, उनको रिवाइवल मिल नहीं पाया बट डेस्ट्रो उनको फिनिश ऑफ किया जाएगा। टीम तमिलास के वो खिलाड़ी थे जिन्होंने आसपास के इलाकों से कुछ बढ़िया स्प्रेज दिए और ऐसे में टीम लिमरा लेकर के वो आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। चल चलिए यहां पर वो जो क्रेट थे वो लूट करते हुए नजर आएंगे और अभी भी एक उम्मीद जो बाकी रहेगी। देखिए द गुड ओल्ड हील बैटल वो तो हमेशा ही रहता है मोगो के साथ बट अभी के लिए ग्लोबल ईस्पोर्ट्स पोजीशन बहुत अच्छी है। काफी पेशेंस के साथ खेला है इस गेम के अंदर, अपनी पोजीशन को वो गवाना चाहेंगे नहीं। आई को सोल का आगमन काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे रोनी को ऑलरेडी मिल चुका है। निंजा बॉय गिराएंगे रोनी को, निंजा बॉय वर्सेस नकुल, एक बेहतरीन बैटल। बीस का वहां पे नेड आया, डाउन हुआ एक और प्लेयर। एस पावर के कंधों पे पूरी जिम्मेवारी, मान्या वो भी यहाँ पे आते हुए और एक और टीम का आगमन टीम तमिलास के रूप में। जी हाँ, मुश्किलें टीम तमिलास बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल जो हमें देखने को मिल रही है। एस पावर का वो ग्रेनेड, मिस्टर राइजल को डाउन किया जाएगा। मवी वो नॉक आउट थे, उनका जो फिनिश है वो सिक्योर किया जाएगा और टीम तमिलास वो टीम आई को सोल वर्सेस ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की फाइट में सबसे ज्यादा अंक लेकर के जा जरूर सकते हैं। रिवाइवल की एक कोशिश जो अब यहाँ से निंजा बॉय कर जरूर सकते हैं और साथ ही साथ ग्रेनेड के साथ वो थोड़ा टाइम भी बाय करना चाहते हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या नकुल को वो जो रिवाइवल है वो मिल सकता है। स्पावर वीकर लेकर के वो ऊपर जाएंगे, वहां पे कवर भी बनाया जा सकता है और जी हाँ रिवाइवल की एक कोशिश की जाएगी। वही बात करें मान्या की, वो एक अलग ही एंगल पे मौजूद है। आप देखिए मान्या वो सर्कल के अंदर भी काफी आसानी से पहुंच। तीन महारथी अभी के लिए बचे हुए हैं, मवी को उन्होंने गवा दिया बट जैसा मैं कह रहा था कि आई को सोल मान्या के पास आराम से पहुंच गए। इसके बीच में कार्निवल गेमिंग ने भी अपने प्लेयर्स को गवाया है। गॉब्लिन इज नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग, जोन के बाहर गॉब्लिन थोड़े से और फ्लैग्स लेके जाना चाहते हैं बट आई को सोल नकुल रेवन के एक प्लेयर को डाउन जरूर किया। लुक एट द नेट्स नाउ, वो अब नहीं रुकने वाले। बटाई को सोल जोन में जाना उनके लिए अभी भी एक चुनौती। जी हाँ, मात्र एक टीम जो आपको सर्कल के अंदर देखने को मिलने वाली है वो रहने वाली है वेनम गेमिंग। हालांकि अंकों की आवश्यकता उनको भी रहेगी और हल्क उनका जो सफाया है वो हमें देखने को मिल जाएगा। ये दूसरा फिनिश जो जाता हुआ टीम आई को सोल के खाते में और अगर वो और आगे जाते हैं इस मुकाबले के अंदर वो पहला पायदान वापस से हमें उनके खाते में जाता हुआ नजर आ सकता है। वो डिफरेंस पॉइंट्स का उतना ज्यादा था नहीं बट अब तो सर्कल के अंदर भी जाना है और ऐसे में मैं देखना जरूर चाहूंगा कि वेनम गेमिंग क्या वो यहां से एक चिकन डिनर लेकर के जा सकते हैं। अभी तक मात्र दो ही फिनिशेस आए बट सर्कल वो उनकी तरफ पूरी तरीके से फेवर करेगा और साथ ही साथ अब टीम तमिलास को तो देखिए आठ फिनिशेस ऑलरेडी उनके खाते में। एस पावर आज को स्पॉट किया, उसको डाउन किया, मौका बन सकता है यहां पे आई को सोल के पास कि वो जोन के अंदर वहां पे पहुंच पाए। वेनम गेमिंग नंबर्स के एडवांटेज उनके पास बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। रेवन जोन के अंदर उनको भी जाना है, आई को सोल को पता है कि जोन के अंदर अगर उनको सुरक्षित पहुंचना है तो रेवन को हराना पड़ेगा एंड तभी सारे प्लेयर्स यहां पे रेवन पे निशाना लगा के बैठे हैं। देखने के बाद कि कार्निवल गेमिंग के गॉब्लिन क्या वो कुछ खास कर पाएंगे। टीम तमिलास के मैंटी वो भी आगे बढ़ते हुए बट वेनम गेमिंग के आल्टू वो एक बार फिर से हुए हैं डाउन। मुश्किलें बढ़ेंगी अगर आप बात करें टीम रेवन की, उनको भी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा थोड़ा ओपन एरियाज के अंदर और टीम आई को सोल वो इस हाइट के एडवांटेज से और भी फिनिशेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो उनको वो कवर फायर देनी ही पड़ेगी बट अब वो जो ब्लू जोन का डैमेज है वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा आने वाला है और ऐसे में इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि टीम आई को सोल ये 8 मीटर का फासला वो किस प्रकार से तय करने वाले, क्योंकि अभी का वो जो हाइट का एडवांटेज था वो डिसएडवांटेज में भी बदलता हुआ नजर आएगा। जी हां, बट रीपर का वो नेड आया, वेनम गेमिंग के दोनों प्लेयर्स को उन्होंने खत्म किया बट आई को सोल इनके सुपर पावर अभी के लिए चलते हुए दो फ्रैग्स इस पावर के नाम के आगे बट अभी भी जोन में जाना एक कड़ी चुनौती। बाहर से स्प्रेज आ जरूर रहे थे बट टीम तमिलास वो भी कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ दो टीम्स बची है एंड आई को सोल एक गारंटीड चिकन डिनर वो लेके जाते हुए इस मुकाबले से। जो रॉकेट है टीम आई को सोल का वो एक अलग ही उड़ान भरता हुआ और इसी के साथ वो पहला पायदान टीम आई को सोल अपने खाते में लेकर के जाने वाले हैं। जो दर्शक है वो पूरी तरीके से खुश और ये चिकन डिनर बहुत ज्यादा अहमियत रखता है टीम आई को सोल के लिए। और बात करें अगर आप फिनिशेस की तो उतने ज्यादा फिनिशेस वो लेकर के गए नहीं है लेकिन ये 15 अंक और कॉन्फिडेंस वो सातवें आसमान पे देखने को मिल जाएगा। द मैन विद द हैजर्ड सूट इज लुकिंग वेरी हैप्पी राइट नाउ। खुश होना भी चाहिए, प्राउड भी होना चाहिए उनको जिस तरह से वहां पे उनके टीम ने
बिल्कुल, जैसे हमने पहले भी बताया कि वो जो पहला स्थान था वो उनके हाथ से जा चुका था, वो 3 अंकों से पीछे थे और इस मैच में उन्होंने 15 अंक निकाले, यानी कि उनके पास पूरा मौका है कि अभी भी वो जो बढ़त है वो बढ़ा कर रखें और आने वाले समय में उस बढ़त को थोड़ा और बढ़ाया जाए। एंक की चर्चाएं कर भी रहे थे कि वो बीएमपीएस 2022 का वो दौर था जब एक अलग टीम रहा करती थी। बाकी आपको टीम सोल का ये चिकन डिनर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आपने डे वन का 15 फिनिशेस के साथ चिकन डिनर वाला मैच अगर आपने अभी तक नहीं देखा है विकेंडी के मैप का, तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके जाके देख सकते हो। तो बस ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही सोल के अपडेट और तोड़फोड़ के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग।